हमारा देश सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है, और ये संदेश हमने पूरे विश्व को दिया है। न ये हिंदू राष्ट्र है, न ये इस्लामिक स्टेट है, न किसी अन्य धर्म के परिचायक के रूप में है। यहाँ सर्वधर्म संभाव का भाव हम लोग रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। अब इसके बाद कौन क्या बोलते हैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करनी चाहिए इसको लेकर के, केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखनी चाहिए, उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए कि सनातन संस्कृति जिसको मानने वाले हम सभी लोग हैं, हम लोग हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने हमेशा करुणा का पाठ पढ़ाया है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आ गए हैं, और आते आते उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आरजेडी से तो हमने पूछ लिया कि उसका क्या कहना था, तो आरजेडी से भी जान लेते हैं जेडीयू का क्या इस पर मंतव्य है। रंजन जी, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलता है, और यहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। और धर्म तो आस्था का विषय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है, अपना काम कर सकता है, हर किसी को छूट है। हमारा देश सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है, और ये संदेश हमने पूरे विश्व को दिया है। न ये हिंदू राष्ट्र है, न ये इस्लामिक स्टेट है, न किसी अन्य धर्म के परिचायक के रूप में है। यहाँ सर्वधर्म संभाव का भाव हम लोग रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। अब इसके बाद कौन क्या बोलते हैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा आए हैं, गिरिराज सिंह हैं, भाजपा के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर भारत देश में नहीं मांग करेंगे तो कहाँ मांग करेंगे। तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करनी चाहिए इसको लेकर के, केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखनी चाहिए, उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए कि सनातन संस्कृति जिसको मानने वाले हम सभी लोग हैं, हम लोग हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने हमेशा करुणा का पाठ पढ़ाया है। इन सब के विपरीत जाकर भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर खास समुदाय को लेकर द्वेष का भाव है, और उन्हें अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बताना चाहिए कि वो लोग मुस्लिम विरोधी हैं, उन्हें पसंद नहीं है मुस्लिमों को देखना, सिर्फ सिंबल के रूप में शाहनवाज हुसैन साहब हों, अजफर शमशी जी हों, जफर इस्लाम जी या अन्य लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर का भाव कुछ और है। कहाँ तो होना ये चाहिए था कि हर जाति का आप सम्मान करते, हर धर्म का सम्मान करते, सबको साथ लेकर चलते, लेकिन ये जो ढकोसला देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसका मूल यही है। गिरिराज सिंह जी ने बीजेपी का असली चेहरा आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच लाकर रख दिया है। एक सवाल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री तो आ गए हैं, तो क्या आप लोग भी जाइएगा सुनने के लिए हनुमत कथा? व्यक्तिगत रूप से आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर पार्टी की जवाबदेही है, बहुत सारे मसले हैं, ना हम लोग किसी को जाने के लिए कहते हैं, ना किसी को रुकने के लिए कहते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं, उसके हिसाब से लोग जाते हैं। हम लोग मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखते हैं रंजन जी। मार्केटिंग कौन कर रहा है? दिख तो रहा है ना कि मार्केटिंग कौन कर रहा है। भाजपा के लोग जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पूरा कहा जाए कि ड्राइवर बनने को तैयार हैं। अरे भाई, कुछ भी बने, क्या हश्र हुआ है आज कर्नाटका में? प्रधानमंत्री होकर इतने सारे रोड शोज किए, बजरंग बली का नाम तक लिया, बजरंग बली की भी कृपा उन पर नहीं बरसी। तो भाई, आप समझ सकते हैं कि बजरंग बली भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, और जो बजरंग बली भाजपा से खफा हैं तो भगवान राम कितने खफा होंगे। आप ड्राइवर बनिए या कुछ भी बन जाइए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती है? मुझे लगता है गिरिराज सिंह जी के बयान को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, गिरिराज सिंह जी की तरफ से सिर्फ भारत पाकिस्तान ही किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने कभी सुना है क्या कि देश में जो EWS के बच्चे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर सामान्य वर्ग से आने वाले बच्चे, उनकी छात्रवृत्ति के लिए कभी कोई बात गिरिराज सिंह जी ने की है, कभी कोई सकारात्मक पहल किया है? बस हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, यही उनकी TRP बची हुई है। चलिए, तो हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे, कई सवाल थे और
हनुमान जी नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये लाइन इनका भी कहना है और कल तेजस्वी यादव ने भी यही कहा था। नतीजे पूर्णतः अभी आए नहीं है लेकिन कांग्रेस बढ़त पर है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।